सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करुण कौड़ा अज फिर हाजिर होए हैं थोड़े नाल अपना खास प्रोग्राम इमपार्शियल वॉइस लैके, जिस थोड़े नाल मैं 29 अप्रैल 2022 नूं वापरी पटियाला हिंसा ते हुण तक दे घटनाक्रम की अहम जानकारी सांझी करूँगा। दोस्तों, पहली गल तो मैं थोड़ा बहुत धन्यवादी हाँ कि तुसी बड़े थोड़े जिहे समय विच अपने इस फेवरेट चैनल स्काई न्यूज़ पंजाब नूं बहुत प्यार दिता, पर मैनू जरा भरे मन नाल ये गल कहनी पै रही है कि तुहाडे पसंदीदा चैनल स्काई न्यूज़ ते जरा संकट दे बादल आए हन। वो इस तरह कि आम आदमी पार्टी वल्लों पटियाला हिंसा नाल स्काई न्यूज़ नूं जोड़न दी गुमराहकून कोशिश की गई है। सो मैं जिन्हां दर्शकों के सहारे स्काई न्यूज़ पंजाब नूं इत्थे तक लियाउण च कामयाब रहा, महसूस करदा हाँ कि स्काई न्यूज़ पंजाब ते लगे इन्हां दोषां दा नितारा भी स्काई न्यूज़ दे दर्शक ही करन। इसलिए जरूरी है कि कुछ महत्वपूर्ण तत्थ अते सबूत तुहाडे नाल मैं अज सांझे करां। सब तो पहला, आम आदमी पार्टी वालों लंघी 1 मई नूं अपने ऑफिशियल ट्विटर ते इंस्टाग्राम ते पटियाला हिंसा दे मुख मुलजम हरीश सिंगला दा स्काई न्यूज़ चैनल नाल कनैक्शन होने का जिक्र किया गया है। तो यह भी कहा गया है कि उन्हां दा बेटा कोमल सिंगला स्काई न्यूज़ पार्टनर है, तो जिक्र किया गया है कि यह चैनल शिवसेना के इशारे ते चलता है। तो दूजी गल ये भी आखी गई है कि स्काई न्यूज़ पंजाब चैनल के मालक यानी कि मैं करुण कौड़ा पंजाब के सबका कांग्रेस मुख्यमंत्री बीबी रजिंदर कौर भट्ठल का मीडिया एडवाइजर भी रहा है, तो इस तरह कांग्रेसियों के इशारे ते भी चलता है। दोस्तों, सब तो पहला मैं थोनों दसना चाहता हाँ कि कोमल सिंगला स्काई न्यूज़ चैनल का पार्टनर नहीं बल्कि एक इंपलॉई है, अते उसने ये नौकरी अपनी विद्यक योग्यता अते तजर्बे दे आधार दे उत्ते ही हासिल की है। उसने 2018 च मास्टर इन जर्नलिज्म पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो की, सारी पढ़ाई च टॉपर रहा, ते नाल ही उसने 2 साल यूनिवर्सिटी दे अखबार कैंपस टाइम्स ते कैम्पस्कोप दा एडिटर बन के भी सेवा निभाइया, ते वक्रे वक्रे न्यूज़ चैनलों के तजर्बे करके वो आया सी। अपनी पढ़ाई के दौरान कोमल सिंगला वल्लों 2 बार सिविल सकत्रेत ते मुख्यमंत्री दी टीम 6 महीने इंटर्नशिप भी की। साडे वल्लों तकरीबन 45 बंदिया दी इंटरव्यू लैन तो बाद असी कोमल सिंगला दी चोन कीती सी, ते कोमल सिंगला वल्लों पूरी तनदेही ते ईमानदारी नाल काम किया गया स्काई न्यूज़ पंजाब विच। पर उस वेले दिल नूं बहुत ठेस पहुँची जदों कोमल सिंगला वल्लों आम आदमी पार्टी दी पोस्ट वेख के स्काई न्यूज़ चैनल तो अस्तीफा दे दिता गया। कोमल सिंगला बारे सरकार प्रशासन ते PRO डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन तो पड़ताल की जा सकती है कि छोटी उम्र च यह बच्चा दिन रात मेहनत करके इस लैवल ते पहुँचा सी, ते असी भी इसी कारण कोमल सिंगला नूं डिप्टी मैनेजिंग एडिटर अपॉइंट किया सी। कोमल सिंगला दा किसे राजनीतिक पार्टी नाल कोई संबंध नहीं सी ते ना ही कदी होवेगा, क्योंकि राजनीति च जिला प्रधान जां सूबा प्रधान बनिया जाता है, पर अजिही अकैडमिक प्रोफाइल वाले लोग राजनीति च समा नहीं बर्बाद करते। दूजी गल, कोमल सिंगला लंबे समय तो घर ते परिवार तो दूर चंडीगढ़ ही रहिंदा है, ते तुसी कदी भी कोमल सिंगला दा कोई भी फोटो या कोई राजनीति बयान या कितने राजनीतिक गलियारे च कोई उहदी मौजूदगी तुसी नहीं देखी होनी। दोस्तों, आम आदमी पार्टी वालों पाई पोस्ट मेरा संबंध साबका कांग्रेसी मुख्यमंत्री नाल जोड़िया जा रहा है। तां तुहानूं मैं दसना चाहुंदा हाँ कि मैं 2013 तो 2017 तक पंजाब दे साबका कांग्रेसी मुख्यमंत्री दा मीडिया एडवाइजर रहा सी, ते उसे तजर्बे दे नाल 2018 च अपनी एक इंग्लिश मैगजीन दी पोलिटिकल एज मैं शुरू कीती सी, ते 2020 दे विच मैं स्काई न्यूज़ चैनल दी शुरुआत कीती सी जो अज बुलंदिया ते है। मेरा सवाल दोस्तों ये है कि हर एक आदमी दे प्रोफेसनल सफर दे विच कई तरह के किरदार हुंदे ने, उसके माँ प्यो दे, उसके भैन भरा दे, उसके दोस्तों के वख-वख किरदार हुंदे ने, ते असी हर किसी नूं उसके पिछोकड़ परिवार नाल नहीं जोड़ सकते, ना ही जोड़ना चाहिदा है। मैं भी हुण जिंदगी च वक्रे किरदार निभाए ने, ते हुण मैं फुल फ्लैट स्काई न्यूज़ नूं चला रहा हाँ, ते मेरा भी किसी राजनीतिक पार्टी नाल कोई संबंध नहीं है। हुण गल करदे हां पटियाला घटना ते पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वल्लों कीती कार्रवाई दी। भगवंत मान साहब ने बेहद खूबसूरत तरीके नाल इस हिंसक घटना नूं कंट्रोल किया,
ते समा रहिंदिया दोषियां नूं गिरफ्तार करके जेल भेजिया। सीएम भगवंत मान ने उन्हां लोकां दे मूंह ते ताले मार दित्ते जिहड़े कहिंदे सी कि मुख्यमंत्री नूं तजर्बे दी घाट है। जिस तरीके नाल मुख्यमंत्री ने जिले दे अफसरां नूं निर्देश दित्ते, बदलियां कीतियां ते मौके दे हालातां ते काबू पाया, उस कार्रवाई नाल ना तो कोई हिंदू नाराज़ होए ते ना ही सिख नाराज़ होए। ते पंजाब विच ए मैसेज गया कि ये सरकार हिंदू जां सिख कार्ड खेडन वाली नहीं है, बल्कि शरारती अंसरां नूं नकेल कस के जेल भेजन वाली है। दूसरे पासे पटियाला पुलिस, खासकर पटियाला दे IG सरदार मुखविंदर सिंह चीना ते SSP श्री दीपक पारीक जी ने अपनी जिम्मेवारी नूं समझदे होए चंद घंटिया च ही पटियाला दी घटना ते काबू पा लिया ते नाल ही दोषियां नूं गिरफ्तार कर लिया ते सारी घटना की उच्च पदरी जांच शुरू कर दिती। IG साहब अते SSP साहब ने अपने तजर्बे नाल खुद जांच भाग लैके तुरंत कार्रवाई शुरू की ते पूरे देश एक मिसाल कायम की। दोस्तों 2022 दीयां चोणां च बतौर पोलिटिकल एडवाइज़र मैं ते मेरी टीम ने वख-वख राजनीतिक पार्टियां लई काम किया, जिवें कि कांग्रेस, अकाली दल ते उत्थों तक कि आम आदमी पार्टी का भी कैंपेन ते मीडिया एडवाइजरी साडा किते ना किते योगदान सी। तो इस गल नूं आम आदमी पार्टी जां बाकी पार्टियां नकार नहीं सकदियां। असी शुरू तो ही निरपक्ष पत्रकारी ते प्रोफेशनल तरीके नाल काम किया है ते अगे भी करदे रहांगे। दोस्तों मैं आशा करदा थोनू मेरिया गल्लां सही लगियां होंगियां ते असी भी निरपक्ष पत्रकारी करदे सी ते अगे भी करदे रहांगे। जय हिंद।